पेरेंट्स का काम होता है अपने बच्चों को सही गलत समझाना, उनको इतनी ज्यादा छूट नहीं देना कि जिससे वो बिगड़ जाएं। अगर पुणे पोर्शे कांड में नाबालिग आरोपी के पेरेंट्स ने ऐसा किया होता तो शायद दो जिंदगियां बच गई होती और आरोपी के माँ बाप भी हिरासत में ना होते, क्योंकि इस मामले में केवल लड़का ही नहीं फंसा बल्कि इनका पूरा परिवार कानून के शिकंजे में फंस चुका है। बिगड़ैल बेटे को बचाने के लिए माँ ने ब्लड सैंपल बदल दिया, जिसके बाद दो डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया था और अब माँ शिवानी अग्रवाल को भी अरेस्ट किया जा चुका है। पुणे हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल बदलने की साजिश में उसकी माँ के शामिल होने पर अपनी जिंदगी गंवा चुकी अश्विनी कोस्टा की माँ ने आश्चर्य व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि माँ ने अगर अपने बेटी को अच्छे संस्कार दिए होते तो आज ऐसे हालात नहीं बनते, क्योंकि नाबालिग बेटे के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिए जाने के बाद पूरे परिवार पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर अश्विनी कोस्टा के पिता ने इस बात पर भी दुख व्यक्त किया कि इस हादसे के बाद से ही कई विभागों की संलिप्तता सामने आई है और भ्रष्टाचार में डूबे तमाम विभागों ने न केवल मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की बल्कि पूरे सिस्टम को खरीदने की भी साजिश रची है। लेकिन तसल्ली इस बात की है कि कानून के सामने किसी की नहीं चल पाई और तमाम आरोपी एक एक कर सलाखों के पीछे पहुंचते जा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में जिस तरह के खुलासे सामने आ रहे हैं उससे अश्विनी की मां बेहद दुखी नजर आ रही हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह पूरे मामले में तिकड़मबाजी और आरोपियों को बचाने की साजिश रचने का खुलासा हुआ है, उससे ऐसा लगता है कि अब आखिर भरोसा किस पर किया जाए। बहुत अच्छा हुआ है जो भी हो रहा है, मतलब सही दिशा में हो रहा है। अगर वो मिलती ना मुझे, मेरे सामने अगर गिरफ्तार, पहले तो मैं दो तमाचे मारती उसको कि अपने बच्चों को क्या परवरिश दी है, ऊपर से और शय दे रही है, अपराध करने के बाद भी ब्लड सैंपल बदल रही है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है ऐसी माए, मतलब क्या चाहती है, क्या समझ में, मतलब क्या करना चाहती है अपने बच्चों के लिए। आखिर जो भी किया दिख तो रहा है ना, खुद भी सलाख के पीछे चले गई, तो मतलब बोलना चाहिए कि ऐसी माओ को तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और आगे भी जो पेरेंट्स है जो इस टाइप से करते हैं उन्हें भी सीख मिलना चाहिए। वहीं इस मामले में अपनी जिंदगी गंवा चुकी अश्विनी कोस्टा के पिता से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फोन पर चर्चा की। अपने ओएसडी को उनके घर पर भेजकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने परिवारजनों से चर्चा की और हादसे पर दुख जताते हुए उन्हें ढांढस भी बंधाया। मुख्यमंत्री ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की न केवल गहराई से जांच की जाएगी बल्कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अब तक की जांच के संबंध में अश्विनी कोस्टा के पिता से बात करने के साथ ही ये आश्वासन भी दिया कि वो खुद पूरे मामले की नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और रोजाना समीक्षा करने के साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। इस बीच अश्विनी कोस्टा के पिता सुरेश कोस्टा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जबलपुर की बेटी अश्विनी कोस्टा का हादसे में निधन होने के बाद जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार सक्रिय होकर काम कर रही है और संवेदनाएं जता रही है, उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी हस्तक्षेप कर संबंधितों से चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने अपने ओएसटी को हमारे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, मेरी बेटी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से उनके ओएसटी आए हुए थे, जिसने उनका संदेश हमको दिया कि वो आपकी दुख की घड़ी में वो हम मेरे परिवार के साथ हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया, उन्होंने मेरे से फोन पर भी बात की, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि इस केस से जो भी संबंध रखता है सारे के सारे लोगों का खुलासा होगा और सारे के सारे लोगों को सजा होगी। आपको बता दें कि किशोर न्याय बोर्ड ने पुलिस को पोर्शे दुर्घटना में कथित रूप से शामिल नाबालिग की जांच करने की अनुमति दी है। किशोर न्याय अधिनियम के तहत नाबालिग से पूछताछ माता पिता की उपस्थिति में की जानी है। जेजेबी ने 19 मई की दुर्घटना के कुछ घंटे बाद रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल के बेटे को जमानत दे दी थी, साथ ही उसे सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने के लिए कहा था। लेकिन राष्ट्रव्यापी आक्रोश के बीच जेजेबी ने आदेश में संशोधन किया और नाबालिग आरोपी को 5 जून तक अवलोकन गृह भेज दिया गया।